हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मार्केट ख़त्म हो चुका है, ओके। एंड ऑफ द डे चार्ट हम अभी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले रेगुलर जो बताते हैं वही बताने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा। मैं नया नया स्ट्रेटेजी आपके लिए लाता रहता हूँ, जो बेसिक्स वगैरह है, मार्केट एनालिसिस वगैरह है, वो मैं आपके लिए करता रहता हूँ। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये निकाल लिया मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट, जो मैंने आपको एनालिसिस करके दे दिया था कल, ओके। अरे क्या हो गया, हाँ आ गया, ओके 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 डन। तो मैंने आपको सिंपल लेवल्स दे दिया था, ये सारा लेवल्स, ओके। इस लेवल्स के नीचे आपको नीचे सेल करना था, इसके ऊपर आपको बाय करना था। लेकिन मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ है, मार्केट यहीं पे ओपन हुआ, देखिए ये वाला कैंडल, ओके, ये वाला कैंडल ओपन हुआ और सीधा जो हमारा लेवल्स था सेल करने के लिए या पुट बाय करने के लिए, वो लेवल्स ब्रेक किया और सीधा नीचे, सीधा नीचे, सीधा नीचे इधर तक धराम से गिर गया। थर्ड टारगेट से थोड़ा सा ऊपर से रिजेक्शन लिया और सीधा मार्केट ऊपर गया और, ओके। तो हमने टेलीग्राम में कॉल प्रोवाइड किया था, कितने रुपीस में ये बताते हैं सिर्फ। हमने कॉल्स प्रोवाइड किया था 225 रुपीस में, जिसने हाई लगाया कितना, हाई कितना लगाया 565 प्लस, तो प्रॉफिट सोच लीजिए कितना हुआ एक लॉट में, 225 से 565 तो कितना, 300 प्लस पॉइंट्स हमने ग्रैब किया। कहाँ पर, सिंपली बैंक निफ्टी में। सिंपल एनालिसिस, बिल्कुल एकदम सिंपल सा एनालिसिस करके दिया था, उस एनालिसिस के हिसाब से आप काम करते तो अच्छा खासा काम कर पाते, ओके। और एक बात, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से जो रिवर्स गया है मार्केट, इसका भी हम प्रॉफिट उठा सकते थे, कैसे अभी बताते हैं आपको कैसे, ओके। हमको जाना है, चेक करना है ओपन इंटरेस्ट OI, ओके। तो हम चेक करते 34,100 का कितना है OI, ये देखिए, हाँ ये देखिए 34,100 का। कॉल ऑप्शन का कितना है 47,050 और पुट ऑप्शन का OI कितना है 6,96,950, इवन 40 इधर है 47,000, तो सोचिए कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, डिफरेंस है, ओके। तो इतना पुट का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, इतने 6,96,000 ऑलमोस्ट 7,00,000, मतलब बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है 34,100, और बैंक निफ्टी ठीक 34,100 से ही रिवर्स हुआ, देखिए। तो हम रिजेक्शन देख कर काम कर सकते थे इधर भी, लेकिन काम नहीं किया, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट इतना सारा प्रॉफिट मिल चुका है, इतना लालच करना अच्छा बात नहीं है। लालच बुरी बला है, ओके, लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए। आज स्टॉक में मैंने काम किया था, एक दो कॉल दिया था, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ और स्टॉप लॉस भी हुआ, तो आज स्टॉक में इतना अच्छा खासा हमारा कुछ काम नहीं हो पाया जो हुआ बैंक निफ्टी में हुआ। अभी चलते हैं निफ्टी में, ओके। निफ्टी क्या दिखाते हैं आपको, निफ्टी कैसा गया देखते हैं। इसका भी देखेंगे हम, क्या देखेंगे, OI ओपन इंटरेस्ट, इसका भी देखेंगे। निफ्टी ओपन हुआ सीधा यहाँ से, बोला था इसके नीचे सेल करना है आपको, ओके, बोला था कि नहीं, इसके नीचे सेल करना है बोला था, लिखा हुआ है इधर देखिए, सेल लिखा हुआ है, आपको सेल करना था, ब्रेक कर दिया, इतना बड़ा हो गया, हाँ यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया, आया इधर ख़त्म, ओके। तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमको निफ्टी ने भी दे दिया। तो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस हम काम करके देखिए, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा, ओके, गारंटी के साथ। तो अभी यहाँ से रिजेक्शन लिया 15,000, इसका भी हम क्या रखेंगे, एक बार OI देख लेते हैं। हम OI देख रहे हैं ऑफ स्ट्रा पे,
अगर आपको एक्स्ट्रा का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कहाँ से रिजेक्शन लिया, 15,507 मतलब 15,500, देखते 15,500 का क्या है। ये देखिए कौन सा, हाँ 15,500 का पुट का देखिए 18,74,700 है और कॉल का देखिए 1,75,300। पुट पे इतना ज़्यादा ओआई है मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल मतलब रेजिस्टेंस है और सॉरी सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया। ओके इतना अच्छा खासा पावरफुल सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाया और रिजेक्शन लिया और ऊपर गया सीधा, हम भी इधर काम कर सकते थे। सॉरी गाइस बैंक निफ्टी में मैंने बोला था रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं ये सपोर्ट था। ओके 34,100 वो सपोर्ट था, मैंने गलती से रेजिस्टेंस बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके तो निफ्टी ने भी प्रॉफिट दिया आज, बैंक निफ्टी ने भी दिया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। और जिसका प्रॉफिट हुआ है काइंडली व्हाट्सएप करके मुझे बताइएगा। ओके अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है हमारे लिंक के थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, क्लाइंट आईडी हमको सेंड कर दीजिएगा, हम पेड ग्रुप में आपको बिल्कुल फ्रीली ऐड कर लेंगे। ओके स्मूथली तो अभी चलते हैं कल के लिए एनालिसिस करते हैं, कल है एक्सपायरी डे, एक्सपायरी डे का कैसा एनालिसिस होगा वो हम बताएंगे आपको। ठीक है अभी हम एनालिसिस करेंगे कल के लिए थर्सडे एक्सपायरी। ओके तो वन डे के चार्ट पे चलेंगे हम, आपको पता है पहले वन डे का चार्ट देखते हैं हम क्या बना है, डोजी बना है क्या, क्या बना है ये देखिए क्या बना है, ये कौन सा कैंडल है, ये कैंडल शो कर रहा है क्या, शो कर रहा है बायर स्ट्रेंथ, क्योंकि देखिए बॉडी इतना है एकदम नीचे तक मार्केट गया लेकिन यहाँ पर रुक नहीं पाया मार्केट। ठीक है रिजेक्शन लिया और सीधा ऊपर आकर खत्म, क्लोज दे क्लोजिंग दे दिया, तो मतलब क्या यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक बायर्स है। ओके सेलर्स आया था लेकिन टिक नहीं पाए, बायर्स लेके गया चाल। ओके तो शो कर रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा कैंडल बन रहा है। ओके तो हम लेवल्स को भी मार्क करते हैं। ओके क्या मार्क करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब हम मार्क करेंगे। ओके तो एक बार देखते मार्क ऑलरेडी क्या क्या किया हुआ है। ओके अर्ली चार्ट पे चलते हैं, अर्ली चार्ट पे आ गए, कल बताया था नीचे आना पसंद है, नीचे से रिट्रेस होकर ऊपर जाना है, नीचे भी आया रिट्रेस होकर ऊपर भी गया आज निफ्टी। ओके बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरह से काम किया। अभी हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, आ गए 15 मिनट के चार्ट पे, अब हम करेंगे क्या एनालिसिस करेंगे। ओके कैसे करेंगे, फिबोनाची को यूज़ करके लेके आया फिबोनाची को, पहले ऊपर से नीचे तक लगा दिया इसको। ओके अब देखते हैं कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखिए 78.6 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, 61.8% को ब्रेक कर चुका है हाई वॉल्यूम के साथ, ऊपर भी गया, अब 78.6 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, तो सिंपल सा है हम इसके ऊपर बाय करेंगे। एनालिसिस इसका हो गया बाय साइड के लिए, अब देखेंगे सेल साइड के लिए क्या है। ओके इसके ऊपर तो बाय हो गया, सेल साइड के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से एक बार ऊपर देखेंगे, यहाँ से एक बार ऊपर देखते हैं 61.8% किधर है, इधर है। ओके इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ओके 15,600 कर देते हैं इसको 15,600 के नीचे हम क्या करेंगे, 15,600 के नीचे हम सेल करेंगे। ओके बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस हमारा बाय और सेल हो गया। ओके बाय वाले भैया इधर आ जाओ, सेल वाले भैया इधर आ जाओ, काम खत्म। एक बार और हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे, कुछ देखेंगे एकदम हाई से लो तक लगाएंगे। अब हाई कौन सा है, ये वाला, लो कौन सा है, ये वाला। 61.8% ब्रेक कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, देखिए हाई से लगाए तो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे 60 ताकि हमको ज़्यादा कॉन्फर्मेशन मिल जाए। ओके इसलिए हमने इसको इधर लगा लिया। ओके तो 61.8% अभी तक ब्रेक नहीं हुआ इसका, एकदम हाई से लो तक लगाया, तो ज़्यादा कॉन्फर्मेशन के लिए हमने ये लगा लिया, थोड़ा सा हम सेफ रहेंगे इसलिए।
ओके तो एक बार और हम फिबोनाची को प्लॉट करेंगे, ठीक है। कहाँ से प्लॉट करेंगे? अब नीचे से पूरा ऊपर तक प्लॉट करेंगे, ओके। नीचे का है ये, ऊपर का है ये, यही पकड़ लेते, ओके। ऊपर तक प्लॉट किया, अब देखते हैं कहाँ पर रिट्रेस हो रहा है। 61.8% ये जो लेवल्स था इसको ब्रेक किया, ऊपर गया, दोबारा 61.8% में आ चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाय के साथ रिट्रेस सेल करेंगे इधर, ओके। अच्छा, सेल वाला पॉइंट एकदम सही है, ओके। एक काम करेंगे अभी, हम बाय के साथ हम लिखेंगे, सॉरी, रिट्रेस सेल आएगा इधर, यहाँ से अगर रिट्रेस करके नीचे आया तो सेल करेंगे। ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, ऐसा टारगेट रहेगा। तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है निफ्टी का एनालिसिस, ओके। इसके ऊपर हम बाय करेंगे, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आता है तो हम सेल करेंगे यहाँ तक फर्स्ट टारगेट, उसके बाद सेकेंड टारगेट, ओके। और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेकर ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। तो भाई एकदम सिंपल सा एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है निफ्टी का। जो लेवल्स हैं मार्क कर लीजिए, ये सब लेवल्स, ये सारा लेवल्स मार्क करके ले लीजिए, आपको फायदा रहेगा एक्सपायरी के दिन में, ओके। तो कल साइडवेज जाना पसंद है मार्केट, देखते हैं अगर एक्सपायरी देके मार्केट में अच्छा ट्रेंडिंग रहा तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा हमारा, ओके। तो अभी चलते हैं, कहाँ चलते हैं, बैंक निफ्टी, फाइनल एनालिसिस बैंक निफ्टी पर करते हैं, ओके गाइस। आ गए बैंक निफ्टी, सबसे पहले हमको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक फिबो को अप्लाई करना है। ए फिबो ना चिया जा, अरे भैया लग जा, लग गया फिबो ना ची। फिबो को हमने लगा लिया, ओके। अब हम मार्क करेंगे 51.8% को, तो 61.8% को, 61.8% मार्क कर लिया। क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बाय करेंगे, बाय वाले भैया इधर आ जा, ओके। इसके ऊपर बाय, नहीं तो रिट्रेस सेल। रिट्रेस सेल में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कल एक्सपायरी डे है तो मार्केट वोलेटाइल भी हो सकता है, तो अगर वोलेटाइल हुआ तो हम सेल करके भी कमा सकते हैं, बाय करके भी कमा सकते हैं, इसलिए लगा दिया, ओके। तो सेल कब करेंगे, इसको भी इधर रख देते हैं, सेल के लिए भी हम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, नीचे से ऊपर तक लगाएंगे, अब सिंपल सा है, नीचे से ऊपर तक हम लगाएंगे क्या, फिबोनाची, यहाँ से ले लिया, यहाँ तक हम फिबोनाची लगा लिया, ओके। 61.8% कौन सा है, ये वाला है, ओके। 61.8% ब्रेक कर चुका है ये, तो हमको सेल कब करना है, हमको ये देखना है। रिजेक्शन कहाँ पर ले रहा है, 78.60 यहीं पर रिजेक्शन ले रहा है, तो हमको एक बार देख लेते हैं, ओके। आई थिंक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो चुका है, एक बार के ऊपर हमको क्या करना है, रिट्रेस सेल नहीं तो बाय करना है, ओके डन। एक बार और फिबोनाची को प्लॉट करते हैं, आज का डे लो से डे हाई, सॉरी, ओके। 61.8% कौन सा, ये वाला लेवल्स, ओके गाइस। कितना है, 34,347, मतलब इसको कर देते 34,350, ओके। ये वाला लेवल्स है ऑलरेडी, इसको मार्क कर लेते, इसके नीचे हम सेल करेंगे, ओके। ओके, सिंपल सा एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है इधर, ओके। ओके, ये 100% है, इसके नीचे हमारा सेल होगा, ओके। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो चुका है अभी, ओके।
61.8% के ऊपर जाएगा मार्केट, बाय करेंगे सीटीसी वाले। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर आएगा नीचे, पुट बाय करेंगे, सेल करेंगे। नीचे आया, सेल कर देंगे। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर ऊपर जाएगा, बाय कर लेंगे, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इधर से आएगा, ये पहला टारगेट होगा, ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो सिंपल सा एग्राम एनालिसिस प्राइस एक्शन के बेसिस पे और फिबोनाची को प्लॉट करके, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ झंझट नहीं, सिंपल सा एनालिसिस हमारा ख़त्म हो चुका है अभी। तो लेवल जो है, ये सब लेवल्स मार्क करके लीजिएगा, कल आपको एक्सपायरी डे में अच्छा खासा फ़ायदा दे सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन का, बैंक निफ्टी का जो कॉल्स होता है मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, और जो मॉडिफिकेशन होता है चार्ट एनालिसिस का, अगर कल मॉर्निंग को मॉडिफिकेशन होगा उसका डिटेल्स भी मैं कहाँ पर प्रोवाइड करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आने वाला स्ट्रेटेजीज के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।